हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर डबल एस्ट्रेक सिंबल का क्या मतलब है? हाँ, एक मतलब है कि सिंगल एस्ट्रेक सिंबल लगा हुआ है तो वहां हम मल्टीप्लाई के लिए इसका यूज करते हैं। डबल एस्ट्रेक सिंबल का शायद मतलब ये होता है कि स्क्वायर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ खास है। तो चलिए यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करके एक फंक्शन हम बना लेते हैं। तो फंक्शन fun fun नाम से बनाते हैं और fun नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे डबल एस्ट्रेक सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ h और यहाँ पे कॉलन तो आता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आपको एंटर सिंपली कर देना है प्रेस और यहाँ पर आते ही प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। प्रिंट लिखा हमने और यहाँ पर h लगा दिया है। अब यहाँ पर बारी है इस फंक्शन को कॉल करने की और उससे भी पहले हम यहाँ पे करवाएंगे रिटर्न। तो ये लिखा रिटर्न retun, रिटर्न कर दिया, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे अब कॉल करते हैं fun। अब fun लिखा हमने और यहाँ पे क्या करते हैं a is equal to 12, b is equal to 13 and c is equal to 14 दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया है। लिखने के बाद अब इसको चलाने की बारी, तो F5 प्रेस करके इसको चला भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है स्टाइल आपको कैसी लगी, यहाँ पे देखिए लिखा हमने कैसा है और यहाँ पर आ किस तरह से रहा है, ठीक है।